महाराष्ट्र में वोटिंग शुरू होने को केवल 15 घंटे बचे। वोटिंग से पहले ही एक बड़ा सियासी खेल सामने आ रहा। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर आरोप लगा है कि तावड़े विरार के होटल में लोगों को 5 करोड़ कैश बांट रहे थे। इसी बीच बहुजन विकास अघाड़ी के नेता होटल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच पुलिस होटल पहुंची और विनोद तावड़े को मुश्किल से होटल से बाहर निकाला। इस दौरान बहुजन अघाड़ी नेताओं ने तावड़े के साथ धक्का मुक्की भी की। बहुजन अघाड़ी नेताओं ने कई डायरी और एक बैग दिखाया और कहा कि ये सब तावड़े का है। आरोप लगाया कि इसी बैग में रखा कैश तावड़े बांट रहे थे और अपनी डायरी में कैश का हिसाब भी नोट किया। मामला सामने आने के बाद विनोद तावड़े ने बड़ा दावा किया। विनोद तावड़े ने कहा कि चुनाव में वोटिंग कैसे होगी, इसका मार्गदर्शन करने के लिए वो आए थे, लेकिन इसी बीच ये सारी घटनाएं हो गई। विनोद तावड़े के मुताबिक चुनाव आयोग की टीम ने उनकी गाड़ी, रूम और बैग की जांच भी की। तावड़े ने कहा कि पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ले, मैं पैसे नहीं बांट रहा था। सुनिए विनोद तावड़े की पूरी बात। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी, वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं, तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। एमवीए नेताओं ने पूरी तैयारी के साथ होटल में हंगामा किया। उन्होंने पूरे बवाल की वीडियोग्राफी की। विनोद तावड़े चोर है के नारे भी लगाए। बड़ी खबर सामने आ रही है, नालासोपारा कैश कांड मामले में तुलिंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कुल 2 FIR दर्ज की गई है। जांच के दौरान 9,53,500 रुपए कैश बरामद किए गए। तो इस पूरे मामले में लगातार सियासी बवाल भी बढ़ता जा रहा है और इस मामले में एक बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है और जो पूरा कैश बरामद हुआ है उसकी कीमत लगभग 9,53,500 रुपए है, जो उस वक्त पुलिस को वहां पर से बरामद हुआ। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जब विनोद तावड़े वहां पर होटल रूम में मौजूद थे, किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे दूसरी पार्टी के, और उसके बाद उन्होंने बवाल करना शुरू किया और बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि विनोद तावड़े के साथ धक्का मुक्की तक की गई। हालांकि पुलिस कैसे करके विनोद तावड़े को वहां से निकाल कर लेके गई, लेकिन विनोद तावड़े तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे मामले में वो सिर्फ वहां पर मार्गदर्शन करने आए थे कार्यकर्ताओं का, किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं बांटा गया, कोई कैश नहीं बांटा गया। लेकिन विनोद तावड़े पर जो आरोप लगा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए कैश उन्होंने बांटा, लेकिन बीजेपी विनोद तावड़े इस पूरे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। नोट कांड के बीच महाअघाड़ी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। राउत ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रही है, अब इसका पर्दाफाश हो गया है। तो जीतेंगे ना, हाँ बांटेंगे तो कटेंगे नहीं, भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया और भी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी, विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे बीजेपी की सरकार के, अब राष्ट्रीय महासचिव उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है, कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ वहां पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो, वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा, तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया वहां के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता कि आप पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से कि तावड़े जी को ऊपर नजर रखो,
विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप पर महाविकास अघाड़ी पूरी तरह हमलावर है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे बैग की चेकिंग हुई लेकिन कुछ नहीं मिला और अब विनोद तावड़े के बैग से पैसे मिले हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल स्थगित कर दी। तुळजा भवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली। बॅगेमध्ये काही सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडल्यात का तुमच्याकडनं कळलं? तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं? म्हणूनच मी आई तुळजा भवानीला साक्ष घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खतम करून टाक। तो उद्धव ठाकरे को आपने सुना। सचिन चौधरी हमारे साथ विरार के विवांता होटल से लाइव जुड़ चुके हैं जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ। सचिन, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आ रहा है, विनोद तावड़े को घेर रखा है लेकिन विनोद तावड़े इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जांच कर ले, सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली जाए। जी बिल्कुल, करीबन 7:30 बजे विनोद तावड़े यहाँ पर पहुंचते विवांता होटल में, वो सही विरार नारा सोपारा में ये होटल पड़ता है। और यहाँ पर जब इसकी भनक बहुजन विकास आघाड़ी को यानी कि बीवीए को लगी तो उनके कार्यकर्ता और क्षितिश ठाकुर जो हितेंद्र ठाकुर के पार्टी प्रमुख के बेटे हैं और नाला सोपारा के मौजूदा विधायक है, वो यहां पर पहुंचे और करीबन 4 घंटे तक ये पूरा हंगामा चला। उसके बाद पुलिस आई, चुनाव आयोग के अधिकारी आए। आपको रोकना चाहूंगी, मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगी। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी है, शिवसेना सांसद हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले तो इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगी? लगातार महाराष्ट्र में चुनाव की हलचल तो थी लेकिन अब वोटिंग से एक दिन पहले इस तरह का वीडियो सामने आता है, इस तरह का बवाल होता है, क्या रिएक्शन है शिवसेना का? शिवसेना तो बहुत स्पष्ट है कि आज जो पर्दाफाश हुआ है, जहां पे पैसों के लेन देन से, पैसों के बल पर ये लोग अपनी सरकार चलाने में कामयाब रहे और सरकार अब फिर से बनाने में जुटे हुए हैं, आज वो सामने आया है, देश की जनता के सामने आया है। इतने सारे पैसे आते हैं, इलेक्शन कमीशन ने चार या पांच बार उद्धव जी के बैग की चेकिंग की, गुजरात से कैश भर भर कर आता है, दिल्ली से कैश भर भर कर आता है, वो इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चला। जनता है जिन्होंने ये सच्चाई जनता महाराष्ट्र के सामने तो लाई है, देशवासियों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक जो भी सरकार बना रही है, केंद्र में हो या बाकी राज्य में हो, वो धन के बल पे कर रही। प्रियंका जी, लेकिन विनोद तावड़े इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जांच कर ले, सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले। सिर्फ मार्गदर्शन के लिए वो होटल में पहुंचे थे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, कोई कैश उन्होंने नहीं बांटा, ये उनका कहना है इस पूरे बवाल के बाद। देखिए, कैश तो बकायदा वीडियो चल रहे हैं, उनकी एक लाल डायरी भी जब्त हुई है जहां पे बकायदा लिखा हुआ है गया है। मेरा तो सवाल सिंपल है, 28 घंटे का विराम लगता है इलेक्शन की प्रक्रिया पे, इलेक्शन कैंपेनिंग पे, ऐसा क्या उनको कार्यकर्ताओं से मिलने का धुन सूझी के विरार जाते हैं और एक कमरा बुक करते हैं और उसमें कितने कार्यकर्ता आए होंगे? बहुत स्पष्ट है कि ये जो पकड़े गए हैं वो अपना डिफेंस सामने ला रहे हैं। पर इलेक्शन कमीशन से मेरी बस यही पूछ होगी कि अब इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी और खास करके भारतीय जनता पार्टी पे क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने इसको पूरा एक हथकंडा बनाया हुआ है कि सरकारों को बनाएंगे, बिगाड़ेंगे पैसों के बल पर। आज अगर देश में इलेक्शन होना है तो इलेक्शन की मजबूती यही होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, ना कि आधार पर होते हैं वोट की कीमत लगाई जाती हो। इस पे इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करेगी ये देखना मैं मानती हूं कि इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रियंका जी, बीजेपी की तरफ से और भी रिएक्शन सामने आ रहे। बीजेपी पूरी तरह सफाई दे रही है। विनोद तावड़े के बारे में तो हमने बात की लेकिन इसके अलावा प्रवीण दरेकर भी ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि महाविकास अघाड़ी ड्रामा कर रही है और इस तरीके से बेबुनियाद आरोपों के दम पर नहीं जीत सकते हैं। अब मैं क्या इन लोगों का क्या जवाब दूं जो एक हार सामने देख रहे हैं, जिन्होंने पूरी सत्ता 2.5 साल पहले धन के आधार पे की हो। पूरा देश महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है कि 50 खोके एकदम ओके है, उसी धन बल जो गुजरात से आता है, जहां से गुजरात से हमारी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से हटाकर गुजरात में कर दी जाती हैं, एक गुजराती व्यापारी को रातों रात जमीन दे दी जाती है, एयरपोर्ट दे दिया जाता है, रीडेवलपमेंट राइट दे दिए जाते हैं, उधर से पैसा आ रहा है उसकी कोई चेकिंग नहीं है। तो हमें तो यहाँ पे तू में नहीं लगना है। कैश पाया गया है विनोद तावड़े के पास, विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, और कैसे पाया गया, किस स्थिति में पाया गया, ये अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि अब इलेक्शन कमीशन जवाबदेही तय करे कि कितना, हाउ मच इज इनफ। और वो इलेक्शन कमीशन पे उम्मीद है कि अब वो प्रजातंत्र के उसूलों का पालन करे।
एक आरोप लगातार आप पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लगाते रहे, जिसकी बात आपने अभी भी की कि उद्धव ठाकरे के बैग की भी जांच हुई, इसके अलावा कई महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बैग की जांच हुई, उनके हेलीकॉप्टर्स की जांच हुई, उसके अगर कहें उसके बदले में बीजेपी ने भी अपने नेताओं के बारे में कहा कि उनके भी नेताओं की जांच हो रही है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उनके भी हेलीकॉप्टर बैग्स की जांच हो रही है। देखिए, उनकी सबकी बैग की जांच तब हुई जब हमने इस मुद्दे को उठाया। आप मुझे कोई भी एक वीडियो दिखा दीजिए, हर इलेक्शन कमीशन चेक करता है ना, वीडियोग्राफर लेकर घूमते हैं, वो वीडियोग्राफर का वीडियो फुटेज रिलीज कर दें जो उद्धव जी से पहले चेकिंग की होगी। सारी चेकिंग और सारा ड्रामा कि देखिए हमारे बैग की चेकिंग हो रही है, मीडिया के सामने किया, देखिए हमें ये करना चाहिए, सब ट्विटर पे अपना वीडियो डाल रहे हैं, वो तब हुआ जब उद्धव जी का 3 बार चेकिंग हो चुकी थी। मैं फिर से दोहराऊंगी, क्वेश्चन ये है कि जिनके बैग्स में कैश पाया गया वो विरार के कमरे में कैश बांट रहे थे, और जो सच्चाई से ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं इन गद्दारों के खिलाफ, उनके बैग बार बार चेक हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का क्या मापदंड है बैग चेकिंग का, वो भी आज जनता के सामने आया। प्रियंका जी, बार बार ये कह रही है कि गुजरात से पैसा आ रहा है, पैसा बांटा जा रहा है, क्या इससे पहले भी कहीं आपको लगता है कि ऐसे वाक्य हुए हैं कि पैसे बांटे गए हैं? हालांकि इस बार भी सिर्फ अभी आरोप है जिस पर विनोद तावड़े बीजेपी इनकार कर रही है, क्या उससे पहले भी आपको लगता है कि कोई ऐसे वाक्य हुए हैं जिसको शिवसेना उठाना चाहती हो या फिर उठाया हो? हम तो उठाते हैं, बस आप मीडिया का थोड़ा ध्यान इस पे आया है तो हम शुक्रगुजार हैं। हम तो शुरू से कह रहे हैं जो हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा गया था वही गुजराती व्यापारी के माध्यम से किया गया था, वही गुजराती व्यापारी को अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा इन 2.5 साल की सरकार में रहा होगा, वही गुजराती व्यापारी के प्रवक्ता ये सारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्राइम मिनिस्टर से लेकर गृह मंत्री से लेकर बाकी सब बने हुए हैं, और सब बच्चा बच्चा जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र का जानता है, 50 फूके एकदम ओके हुआ था तभी जा गोवा की टेबलों पे इन्हीं एमएलए ने जो जिन्होंने गद्दारी की थी उन्होंने नंगा नाच किया था। हम तो बकायदा कहते आ रहे हैं जिस तरीके से धनबल का इस्तेमाल हो रहा है और सरकार गिराने का काम हुआ और षड्यंत्र रचा गया वो महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज को तो तोड़ा ही पर महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात हुआ, जब हमारे इंडस्ट्रीज चली जाती हैं गुजरात में, हमारे युवा जाते हैं बेरोजगार जी, और रातों रात हो जाता है कोई माला, तो ये पहले से ही पिछले 2.5 साल से हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज वो भ्रष्टाचार जनता के सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी थी, इस पूरे नोट कांड को लेकर उन्होंने हमसे बात की और लगातार ये सवाल उठाए हैं कि आखिर ये कैश कहां से आया, क्यों आखिर ये कैश बांटा गया, एक दिन पहले विनोद तावड़े को होटल में जाने की क्या जरूरत थी, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। राजेश कुमार विरार से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सचिन चौधरी भी विरार के विवांता होटल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, इस पूरे मामले में 2 FIR दर्ज की गई है, कि उससे पहले तस्वीरें दिखा दे, ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर जिस तरीके से वो डायरीज की लगातार बात की जा रही है कि कोई डायरीज निकली है वो वहां पर लेके पहुंचे, और इसके अलावा कुछ जो कैश वहां पर दिखाई दे रहा है जिसकी बकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है, तो वो वही विवांता होटल की तस्वीरें हैं जिस विवांता होटल में ये पूरा बवाल कुछ देर पहले हुआ, जहां पर विनोद तावड़े पर आरोप लगा है कि उन्होंने कैश बांटा है, वहां पर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता पहुंचे, समर्थक पहुंचे, उन्होंने जमकर बवाल काटा, और उसके बाद वहां पर कुछ ऑफिशियल्स पहुंचे हैं जो इस वक्त उस बैग की जांच कर रहे हैं, और पुलिस का रिएक्शन सामने आ रहा है, सुनाते हैं। साढ़े 11 बजे हमें पता चला कि वन होटल में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं, और नीचे सिटी फ्लोर पे बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं। तुरंत मैंने अपने पुलिस स्टेशन के पीएस साहब को यहाँ विद स्टाफ यहाँ भेज दिया, 5 मिनट में वो यहाँ पहुँच गए, उसके बाद 7-8 मिनट में एसीपी आ गए, 10 मिनट में आ गई हमारे तुरंत बार सीएसपी सर भी अभी आ गए, तो यहाँ पे ऊपर के फ्लोर में बीजेपी के लोग थे और नीचे के फ्लोर में बहुजन विकास अघाड़ी के लोग थे, कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, कुछ डायरीज मिली है, और उसी के तहत हमने तुलिंज पुलिस स्टेशन में 2 FIR लॉन्च की है, उसमें रिप्रेजेंट पीपल्स रिप्रेजेंट एक्ट और BNS इसके तहत 2 FIR हुई है, और 3 FIR भी हम दाखिल कर रहे हैं, उसमें जो इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसका भी कॉग्निजेंस लेते हुए हम वो भी FIR कर रहे हैं। नहीं, मारा मारी वगैरह कुछ नहीं हुआ, पूरी पुलिस प्रशासन 5 मिनट में पहुँच गया, अच्छी तादाद में यहाँ पे पुलिस प्रशासन था, आरोप खुद हाजिर थे।
तो आपने पुलिस का रिएक्शन सुना, पुलिस को जैसी जानकारी मिली पुलिस वहां पर पहुंची। लेकिन राजेश, इस पूरे मामले में जो दो FIR दर्ज की गई है, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी सामने आ पाई है? किस किस के खिलाफ FIR है, किसका नाम है और क्या आरोप उस FIR में? देखिए, जो जानकारी इस वक्त आ रही है गौनिका, उसमें बताया जा रहा है कि पहला FIR जो है वो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, जो भारतीय जनता के प्रत्याशी हैं, पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ हुआ है। और दूसरी जो FIR है, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई जिसमें हितेंद्र ठाकुर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया, वो और विनोद तावड़े दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी इजाजत नहीं थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दूसरी FIR जो है वो दर्ज की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस के तरफ से जो प्राथमिक जानकारी मिली उसमें यही बताया जा रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल में है, दो FIR दर्ज की जा रही है और उसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो पैसे मिले हैं, आखिर वो पैसे किसके थे, कहां से आए, इसकी जांच पुलिस करेगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मौके पर वो तुरंत पहुंच गई थी, जैसे ही वहां पर बवाल शुरू हुआ विनोद तावड़े पर जैसे ही आरोप लगा और बहुजन विकास आघाड़ी के नेता कार्यकर्ता वहां पहुंचे, तो पुलिस का कहना है कि वो मौके पर पहुंच गए, उसने मौके को काबू में कर लिया है, स्थिति काबू में है। लेकिन पैसे वहां पर कैसे पहुंचे, किसके हैं, उसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। राजेश, जैसे आप जानकारी दे रहे थे चुनाव आचार संहिता की दोनों FIR है, क्या जो पहली FIR जो विनोद तावड़े के खिलाफ है उसमें किसी भी तरीके से इस कैश का भी जिक्र है, जिसको लेकर बार बार बहुजन विकास अघाड़ी सवाल उठा रहा है कि डायरी मिली है, कैश मिला है, कैश बांटा जा रहा था, क्या इसका भी जिक्र है उसमें? फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है ये पुलिस के सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं, जिन्होंने FIR दर्ज की, जिन्होंने मामला दर्ज किया है। विनोद तावड़े ने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वहाँ से भी उन्होंने किया है, यही वजह है कि ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है। पैसे को लेकर क्या, पैसे का जिक्र उस FIR में, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो पैसे बरामद किए हैं उन्होंने, और पैसे किसके हैं और कहां से यहां तक पहुंचे, इस होटल में कैसे पहुंचे, कमरा नंबर 406 में जो पैसे मिले हैं वो किसके हैं, इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। सचिन, जिस तरीके से बार बार विनोद तावड़े सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे, उनका मार्गदर्शन करने गए थे, लेकिन इतने दिन चुनाव प्रचार के बीत गए, क्या उतने दिनों में नहीं मिल पाए वो कार्यकर्ताओं से? ये सवाल प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उठाया, वो कुछ देर पहले हमसे जुड़ी थी, कि इतनी क्या आफत आ गई थी कि विनोद तावड़े को कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए होटल में जाना पड़ा, उनसे मिलने के लिए, वहां पर मार्गदर्शन करने के लिए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना पड़ा? विनोद तावड़े का ये कहना था कि वो पास के ही वाड़ा क्षेत्र में थे और वहाँ से उनको जो वहाँ के जो प्रत्याशी है राजन नाइक, इन्होंने कहा कि कल के दिन वोटिंग होनी है और वोटिंग को लेकर कुछ सूचनाएं कार्यकर्ता को देनी है, तो आप मार्गदर्शन करने के लिए आ जाइए। इसलिए उनके कहने पर वो होटल में गए थे और मार्गदर्शन कर रहे थे। विनोद तावड़े का कहना है कि विनोद तावड़े को इतने दिन से समय नहीं मिला या वो अचानक से क्यों आए, क्या पहले से प्लान था, तो इसके जवाब में उनका ये जवाब था कि मैं पास के वाड़ा क्षेत्र में था और वहाँ से जब इनको जानकारी मिली राजन नाइक को कि मैं यहाँ पास में हूँ, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि पदाधिकारियों को थोड़ी सूचना कीजिए कि कल वोटिंग का दिन है, किस तरह से वोटिंग की जाए, इसके बारे में सूचना दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, इसलिए वो वहाँ पर गए थे। ये उनकी दलील है। लेकिन विनोद तावड़े का कहना है कि 40 साल के उनके राजनीतिक करियर में उन्होंने कभी किसी को कभी पैसे नहीं बांटे हैं, और विनोद तावड़े जो है वो क्यों इतने बड़े नेता है और क्यों पैसे लेकर आएंगे और कैसे ऐसे खुलेआम, जब से होटल में हम इन दिनों CCTV कैमरा होता है, सब कुछ होता है, वहाँ पैसे बांटेंगे, इसकी तो उनको जानकारी ही, इतना अनुभव तो उनको है। लेकिन उनका कहना है कि ये सब पूरा एक तरह से साजिश है और जो यहाँ पर बवाल काटा गया, जो जिस तरह से हंगामा खड़ा किया गया, सिर्फ उन्हें और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। चुनाव आयोग जो मर्जी चाहे वो जाँच कर ले, उनके कैमरे में खुद उनकी गाड़ी की तलाशी हुई है, चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने इन कैमरा जो है उनके कमरे की, उनके गाड़ी की, उनके बैग की चेकिंग हुई है। अगर उन्हें कुछ गलत है तो चुनाव आयोग जो मर्जी चाहे वो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सच सामने आना चाहिए। 48 घंटे में जो है आगे चुनाव आयोग कार्रवाई करके उसकी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। जी गोनिका, बिल्कुल सचिन। लेकिन राजेश, जिस तरीके से विनोद तावड़े तो सफाई दे रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी पूरी तरह हमलावर है, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से पैसे लेकर आए, उन्होंने पैसे बांटे, लेकिन जैसे सचिन कह रहे हैं कि एक बड़ा नेता, बीजेपी के महासचिव वो है, वो ऐसा रिस्क
पैसे लेंगे एक होटल में जहां सीसीटीवी कैमरा हर तरफ है, जहां पूरा का पूरा चांस है कि अगर पैसे लेकर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, ऐसा रिस्क क्या इतने बड़े नेता लेंगे, वो भी सिर्फ वोटिंग से एक दिन पहले? राजेश फोन कट गया फिर से। सचिन बिल्कुल राजेश से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन सचिन जो सवाल आप लगातार उठा जो कह रहे थे विनोद तावड़े कि इस तरीके से इतने बड़े नेता कैसे पैसे लेकर जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज में सब आ सकता है, तो ये रिस्क क्या विनोद तावड़े एक दिन पहले लेंगे चुनाव से? जी बिल्कुल, जो ऐसा लगता नहीं कि विनोद तावड़े इस तरह का काम करेंगे, क्योंकि कल ही इंडिया टीवी से विनोद तावड़े ने खास मुलाकात की थी और ऑफ कैमरा उन्होंने मुझसे कुछ बातें भी शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जीवन में कभी भी उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया है इन दिनों जो आरोप लगते हैं। और अभी तो पहले तो सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था, इतनी सीसीटीवी कैमरों का जाल नहीं होता था और चुनाव आयोग भी इतना सख्त नहीं होता था, लेकिन अब चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है, सब जगह सोशल मीडिया, हर किसी के पास मोबाइल रहता है, हर बात किसी की रिकॉर्ड होती है, तुरंत फोटो निकाला जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। तो उन्होंने ना पहले इस तरह का काम किया था और अभी ना उन्होंने ये काम किया है, ये उन्होंने कल ऑफ रिकॉर्ड मुझसे कुछ बातें शेयर जरूर की थी, लेकिन आज ये वाकया घटा और उनके ऊपर ये आरोप लगे। अब होटल में सीसीटीवी कैमरे है, कमरे में, लॉबी में, हर जगह कैमरे होते हैं, उनकी बैग चेकिंग की गई, उनकी गाड़ी की भी चेकिंग की गई, और भाई जो हितेंद्र ठाकुर हैं उनका जॉइंट जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने ये कहा कि विनोद तावड़े जो मेरे पुराने मित्र हैं, क्षितिज भी उन्हें चाचा कहता है, और क्षितिज नहीं, उन्हें बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के घेरे में जो अटके हुए थे उनसे सुरक्षित बाहर निकाला। कार्यकर्ता काफ़ी आक्रामक थे क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी का इस इलाके में होल्ड है, उनके 3 विधायक है, और इस इलाके के अलावा बाहर कहीं वो अपनी ताकत का आजमाइश नहीं करते, बाहर कहीं चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन एक क्षेत्र में उनका दबदबा है, तो उनको कहीं ना कहीं ये बात नागवार गुजरी और उसके बाद कार्यकर्ता आक्रामक हो गए, तो उनके घेरे से उन्होंने खुद क्षितिज ठाकुर ने उन्हें बचाया है, और बाद में जिस तरह से विनोद तावड़े और क्षितिज ठाकुर साथ साथ में निकले तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मामला जो है आप शांत दोनों तरफ से किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को भी इसकी भनक लगी कि दोनों कहीं ना कहीं एक साथ आ गए तो बात अपने पर न पलट जाए, इसलिए उद्धव ठाकरे ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। हालांकि चुनाव आयोग को अपना काम करना है, चुनाव आयोग ने जिस तरह से बिल्कुल नजर सचिन चुनाव आयोग पर ही बनी हुई है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि कल ही वोटिंग होनी है, ऐसे में इसे मुद्दा तो नहीं बनाया जा सकता, क्या जनता इसे ध्यान में रखते हुए वोट करेगी या फिर इसे नकार कर अभी चुनाव आयोग की कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा।